दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बात करेंगे WRX टोकन के बारे में, और WRX टोकन जो आज की प्राइस है लगभग 85 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मान के चलेंगे कि लगभग अभी 28 तारीख को ये गया था, लगभग 98-97 के आसपास। और यहाँ पे अगर INR में बात करेंगे तो, सॉरी INR में कर रहा था मैं बात, 95 के आसपास, ठीक है। उसके बाद में नीचे आया और गिरते हुए यहाँ पे आया, और यहाँ पे वापस ही आया 84 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। सॉरी 81, और अभी चल रहा है 85। ओके, तो WLX में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जो एक्सचेंज ने जो नया अनाउंसमेंट किया है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। लगभग WRX इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज, यानी कि 5वीं बार WRX बर्न हुआ है, WRX टोकन को बर्न किया है, और जो बर्न इवेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग अगर बात करें INR में तो 61 करोड़ के आसपास, और अगर USDT में बात करेंगे तो 8.2 मिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है। यानी कि फोर्थ चौथ उसने जो WRX ने एक्सचेंज ने वजरेक्स एक्सचेंज ने जब चौथी बार बर्न किया था, उससे 95% एक्स्ट्रा WRX को यहाँ पे इन्होंने बर्न किया है। तो एक ये भी आशा यहाँ पे बनती है कि WRX टोकन अब ये पंप करने वाला है, ठीक है। यानी कि अब ये ऊपर जाने की तैयारी में है। अदरवाइज़ आपके पास अगर आपने होल्ड करके रखा है तो आप इसको सेल मत करिए, आप इसको होल्ड करिए और वेट करिए, ठीक है। दूसरा जो अनाउंसमेंट था इनका, आप चेक कर सकते हैं। ए डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डेक्स इज़ वेयर यूज़र कैन ट्रेड क्रिप्टो डायरेक्टली फ्रॉम थेयर वन वैलेट्स जस्ट जस्ट ओके। तो इनका एक डेक्स यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी आने की तैयारी है। तो एक उम्मीद यहाँ पे भी बनती है कि WRX टोकन, अगर डिसेंट्रलाइज्ड टोकन अगर इनका आता है तो और भी ये ज़बरदस्त तरीके से ये पंप करेगा, ठीक है। दूसरा ये कारण है कि 5वीं बार इन्होंने बर्न किया है टोकन को, ख़त्म किया है, तो यहाँ से भी एक कंप्लीट ये सिस्टम होता है कि यहाँ से भी एक ऊपर जाने का और चांस बढ़ गया है। तो ऑलरेडी अगर WRX टोकन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी हद तक ये पहले ऊपर गया था, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक मिनट, वन डे चार्ट के ऊपर तो आप चेक कर सकते हैं, लगभग 6.5 डॉलर के आसपास गया था, ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद गिरते हुए ये वापस काफ़ी हद तक आया था, 0.62 डॉलर के आसपास 23 मई को, और उसके बाद में वापस ये ऊपर जाना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास एक मौका है कि अगर इनका डेक्स आ जाता है मार्केट में, अगर इनका डेक्स मार्केट में चलता है तो आप यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इनकी टारगेट की अगर बात करते हैं तो टारगेट में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे इनका टारगेट जो होगा WRX का टारगेट को, सभी टारगेट को तोड़ते हुए ये लगभग अब जाएगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट टारगेट है, अगर इसको ये क्रॉस करेगा तो फर्स्ट टारगेट लगभग 2 डॉलर के आसपास होगा, और उसके बाद में तो पूछिए मत, 2.5 डॉलर, 3 डॉलर और 4 डॉलर, उसके बाद में वापस आपको WRX टोकन इस प्राइस में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बर्न कर दिया और डेक्स इनका कंप्लीट होने की तैयारी में है, यानी कि कमिंग सून है। तो एक मौका है आपके पास, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।